सिंगरौली में पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 2.5 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान भी गांजे की तस्करी की जा रही है। सिंगरौली में लगातार ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। टीआई अरुण पांडे ने गोभा चौकी की टीम के साथ खटखरिया गांव के दबिश देते हुए गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और तस्करों के पास से 2.5 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 40,000 बताई जा रही है। गांजा तस्कर करने वाली 3 अपराधियों में एक नाबालिग बताया जा रहा है। सभी तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।